सब्सक्राइब कीजिए मॉम्स मैजिक टेस्टी फूड चैनल को, साथ में बेल आइकन भी दबाइए मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अमराधा दुबे, मॉम्स मैजिक टेस्टी फूड में आपका स्वागत करती हूँ। गर्मियों का मौसम है और आम का सीजन है, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आम की एक ऐसी रेसिपी जिसे देखते ही बच्चे और बड़े के मुंह में पानी आ जाता है और इसे खाने के लिए टूट पड़ते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। आम्रखंड बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे एक बाउल और उस बाउल के ऊपर हम रखेंगे एक छन्नी। आप चाहें तो इस छन्नी पर एक कपड़ा बिछा सकते हैं। मैं यहाँ पे दही को इस छन्नी में ही छानूंगी क्योंकि दही मैंने घर में जमाया हुआ है और हमारी दही काफ़ी गाढ़ी है, तो इस दही को मैं इस छन्नी में ही छानूंगी। ये दही आधा किलो है। अब मैंने इस सारी दही को इस छन्नी में डाल दिया है। अब हम इस दही को 10 मिनट तक इस छन्नी में इसी तरह से छोड़ देंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी दही में है वो छन्नी से छन जाए। अगर आप यहाँ पे चाहें तो मलमल के कपड़े में इस दही को बांध कर छान सकते हैं। हमारे 10 मिनट हो चुके हैं और दही का सारा एक्स्ट्रा पानी इस बोल में गिर चुका है। अब हम छन्नी को हटा लेंगे और जो बोल में हमारे दही का पानी बचा हुआ है इस पानी में नमक और जीरा डालकर आप छाछ बनाकर पी सकते हैं, नहीं तो आप इसे रोटी के लिए आटा लगा सकते हैं। तो इस बोल को हम साइड में रख देंगे। अब हम लेंगे दूसरा बोल और उस बोल में हम निकालेंगे जो हमने दही को छाना हुआ है। अब हम इस दही में डालेंगे 4 बड़े चम्मच पिसी हुई चीनी। यहाँ पे आप चीनी अपने मिठास के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी और दही को हम अच्छी तरह से स्मूथ होने तक फेंट लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे एक बड़ा आम का पल्प। यहाँ पे जब आप आम्रखंड के लिए पल्प बनाएं तो आप उसमें पानी का यूज़ बिल्कुल ना करें। अगर आप पल्प में पानी का यूज़ करेंगे तो हमारा आम्रखंड पतला हो जाएगा, तो इसलिए आप पल्प में पानी का बिल्कुल यूज़ ना करें, इसे बिना पानी के ही पीसें। आम के पल्प को भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दही, चीनी और आम का पल्प एकदम अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और अब मैं इसमें डालूंगी 2 से 3 चम्मच बारीक कटा हुआ आम। आम के पल्प के साथ अगर बारीक कटा हुआ आम इस आम्रखंड में आप डालेंगे तो इसका स्वाद बहुत बढ़ जाता है। अब मैं इसमें डालूंगी 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ काजू बादाम और पिस्ता और इन सभी को चलाते हुए हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप अगर चाहें तो इस आम्रखंड में इलायची पाउडर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आम्रखंड में इलायची पाउडर का यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि हापुस आम का ही टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है, तो अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इस आम्रखंड में किसी कलर का यूज़ नहीं किया है। ये आपके आम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका आम कौन सा है। मैंने यहाँ पे हापुस आम लिया है, आपके पास जो भी हो आप उसे ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि आम्रखंड की कंसिस्टेंसी बिल्कुल इसी तरह की होनी चाहिए क्योंकि हम इसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखेंगे और ये और भी गाढ़ा होगा। तो ये लीजिए, हमारा आम्रखंड बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। आप इस तरह से आम्रखंड को बनाकर एयर टाइट कंटेनर में भरकर 15 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। अब हम इस आम्रखंड की करेंगे ऊपर से थोड़ी सी गार्निशिंग। तो इसके ऊपर अब हम डालेंगे बारीक कटे हुए आम। ये सब डालना ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसे ऐसे भी ठंडा ठंडा सर्व कर सकते हैं। इसे थोड़ा और सुंदर बनाएंगे, इसके ऊपर हम डालेंगे बारीक कटे हुए पिस्ते। तो ये लीजिए, सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है हमारा आम्रखंड। तो इस आम्रखंड को रोटी, पराठा, पूरी किसी के साथ भी सर्व कीजिए और एंजॉय कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उस सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाना ना भूलें क्योंकि वो बिल्कुल फ्री है। और अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आई हो तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।